द फर्स्ट गेट इज इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा युआन डाइजी एल्डर शाओकिंग को बंदी बना लेता है। अब तभी वहाँ पर टियानमिंग आता है। टियानमिंग को देखकर ताइजी कहता है, ये शाओकिंग तुम्हारा डिसिपल जो है वो तुमसे ज्यादा बेटर है। अब तभी टियानमिंग कहता है, क्या तुम्हें मेरी जिंदगी चाहिए या। अब तभी फिनिक्स युआन डाइजी का मजाक बना देता है। ये शाओकिंग टियानमिंग को वहाँ पर देखकर हैरान होता है। टियानमिंग युआन डाइजी की तरफ आते हुए कहते हैं, युआन डाइजी मेरे टीचर को जाने दो। युआन डाइजी कहता है, ली टियानमिंग तुम्हारा कैरेक्टर जो है वो मुझे पसंद है। अब युआन डाइजी एल्डर शाओकिंग को छोड़ देता है एंड कहता है, टियानमिंग बचपन से लेकर अब तक मैंने तुम्हारे जैसे किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा जो कि अपने टीचर के लिए अपनी जान की परवाह भी ना करे। ये शाओकिंग तुम सच में काफी ज्यादा लकी हो। अब तभी टियानमिंग भी युआन डाइजी के पास आ जाता है। टियानमिंग को युआन डाइजी के इतने ज्यादा करीब जाता देख ली सेन क्लैन के दूसरे ब्लड लाइन के लोग कहते हैं, अब तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, यंग मास्टर की जिंदगी अब खत्म है, हमें उनके मरने की जिम्मेदारी लेनी होगी। अब तभी टियानमिंग एल्डर शाओकिंग को कहता है, टीचर आप यहाँ से चले जाइए। ये सुनकर एल्डर शाओकिंग कहते हैं, टियानमिंग लेकिन। अब तभी युआन डाइजी ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को टियानमिंग के सर के ऊपर रख देता है एंड कहता है, तुम्हारे मरने से पहले तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्या तुम्हें डर लग रहा है, क्या तुम कांप रहे हो। टियानमिंग ये सुनकर कहते हैं, तुम्हारे पास मुझे डराने का कोई अधिकार नहीं, तुम्हारे जैसे आदमी के लिए मुझे मारना तुम्हारे लिए एक इंसल्ट होगा, है ना। हालांकि मैं मर भी जाऊं लेकिन युआन डाइजी तो मुझे डराने के काबिल नहीं हो। टियानमिंग की बात सुनकर युआन डाइजी हंसने लगता है एंड कहते हैं, तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट हो, मैं तुम्हारे अंदर भगवान के पास जाने वाले रास्ते को देख सकता हूँ। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कि मैं बचपन में था, लेकिन सैडली तुम मेरे हाथों में आ चुके हो। युआन डाइजी ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को ऊपर करता है एंड अपने बच्चों का नाम लेते हुए कहता है, क्या तुम ये देख रहे हो युआन शेंगचेंग एंड शेंडू, तुम्हारे फादर ने तुम्हारी इतनी ज्यादा लॉन्ग अवेटेड विश को पूरा कर दिया है और मैं ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट का एम्परर भी बन चुका हूँ। युआन डाइजी अपने स्वॉर्ड को ऊपर करता है एंड हंसते हुए कहता है, तुम्हारे मन की शांति के लिए, तुम्हारे भाई, तुम्हारी फैमिली को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं इस हेवन डिफाइन जीनियस जिसके हाथों में 5 बेन रिंग्स हैं उसकी बलि चढ़ाऊंगा। अगर तुम्हें दूसरी जिंदगी मिली तो जरूर तुम अपने भाई को इस दुनिया की शान को जरूर टेस्ट कराना। सभी लोग टाइजी की बात को सुन रहे होते हैं। अब युआन डाइजी टियानमिंग को मारने ही जा रहा होता है कि तभी टियानमिंग कहता है, तुम्हारे बच्चों की मौत जो है वो तुम्हारा कार्मा है, इसीलिए इसका जिम्मेदार मुझे मत ठहराओ। मुझे पता है जब तुम छोटे थे तो तुमने काफी ज्यादा बुरी चीजें की हैं, जैसे कि अपने दोस्तों को धोखा देना और वो सभी चीजों को करना जो कि तुम्हारे मिशन को कंप्लीट कराने में तुम्हारी मदद कर सके। तुम्हारे दो वो खराब बेटे बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं, इसीलिए वो मारे गए, ये सभी तुम्हारी वजह से हुआ है। टियानमिंग मुस्कुराते हुए कहते हैं, जैसा उनका बाप है वैसे ही वो है। टियानमिंग की बात को सुनकर युआन डाइजी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो अपनी पूरी ताकत लगाकर टियानमिंग को ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड की मदद से मारता है। जिस जगह पर टियानमिंग खड़ा होता है वो जमीन टूट जाती है। ये देखकर सभी लोगों को विश्वास हो जाता है कि युआन डाइजी का ये स्लैश रियलम ऑफ सेंट से था और जरूर टियानमिंग के भी अब दो हिस्से हो चुके होंगे। अब तभी धुआं हटता है एंड सभी लोग टियानमिंग को एकदम सही सलामत देखते हैं। सभी लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि आखिर टियानमिंग को कुछ कैसे नहीं हुआ, इतनी ज्यादा खतरनाक स्लैश के बाद भी टियानमिंग के बाल को भी कुछ नहीं हुआ। युआन डाइजी ये देखकर काफी ज्यादा सदमे में होता है। वो कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है। टियानमिंग कहता है, मेरा खून जो है वो ऑलरेडी उस स्वॉर्ड को चला रहा है, आखिर वो मुझे कैसे चोट पहुंचा सकती है। मतलब ये है कि ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड ने मुझे अपने मास्टर के रूप में पहचान लिया है। ये सुनकर युआन डाइजी और ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड से अपनी दूसरी स्लैश को टियानमिंग को मारता है। टियानमिंग अपने हाथ से उसे ब्लॉक कर लेता है। टियानमिंग स्लाइड करके दूर चला जाता है। टियानमिंग युआन डाइजी से कहते हैं, तुम अभी भी हार नहीं मान रहे हो। अब तभी ये शाओकिंग टियानमिंग के पास जाते हैं एंड उससे कहते हैं, क्या तुम ठीक हो। टियानमिंग कहता है, मैं ठीक हूँ। युआन डाइजी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, ना केवल युआन डाइजी बल्कि दूसरे लोग भी जो कि इस चीज को होता हुआ देख रहे होते हैं। वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि क्या टियानमिंग के पास लोहे के हाथ एंड लोहे का सर है, क्योंकि युआन डाइजी जो है वो ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड की मदद से टियानमिंग के शरीर को भी नहीं काट पा रहा है। युआन डाइजी इस चीज को देखते हुए काफी ज्यादा हंसता है एंड कहते हैं, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये सच में ली सेन क्लैन के 10,000 साल में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ट्रेजर है। तुम्हारा टैलेंट जो है वो बिल्कुल ली फैमिली के सेकंड एंसेस्टर की तरह है, उनके पास रेड बेन रिंग्स थी, तुम्हारे अंदर बिल्कुल उनके बराबर टैलेंट है। अब युआन डाइजी अपने दोनों लाइव बॉन्ड बीस्ट को बाहर समन करता है एंड कहता है, ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड जो है वो तुम्हें नहीं मार सकती,
लेकिन मेरे पास एक दूसरी ट्रिक है जो कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर सकती है। अब तभी कोई युवान डाईजी का नाम लेता है, युवान डाईजी रुक जाता है। जिस व्यक्ति ने युवान डाईजी का नाम लिया होता है वो व्यक्ति और कोई नहीं ली वुडी होता है। ली वुडी जो कि रेड कलर के ऑरा से घिरा होता है, उसके हाथ में वो वेपन होता है जिससे उसके दिल के अंदर छेद किया गया था। ली वुडी कहता है, किसने मेरी ली फैमिली को खत्म करने की हिम्मत की? टियानमिंग एंड शाओकिंग भी ली वुडी को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ली वुडी की चोट अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, ये चीज देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ली वुडी के हाथ में एक रेड कलर की किलिंग स्वॉर्ड होती है जो कि असल में ली सेंट क्लैन के सेकंड एंसेस्टर की होती है। सभी लोग ली वुडी के हाथों में अब 5 पेन रिंग्स देखते हैं जो कि ब्लड कलर्ड पेन रिंग्स होती हैं। सभी सेक्ट एल्डर्स ली वुडी को देखकर कहते हैं, लेकिन ली वुडी तो 14 सालों के लिए डिसेबल्ड था, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ली वुडी जिसके हाथों में पहले 4 पेन रिंग्स थी, अब उसके हाथों में 5 पेन रिंग्स हैं। ली वुडी के आसपास रेड कलर के ऑरा को देखकर युवान क्लैन का लीडर युवान फेंगटियान कहता है, ये ऑरा तो एम्पियन सेंट्स का है। ली वुडी की बॉडी जो है वो ब्लड रेड ऑरा में कवर्ड है, क्या ये वही बच्चा है जिसे कि मैंने 14 सालों के लिए डिसेबल कर दिया था? ली वुडी जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, वो युवान टाईजी की तरफ बढ़ने लगता है। वो युवान टाईजी के पास जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। युवान टाईजी ली वुडी को देखकर रोने लगता है एंड कहता है, 14 साल बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी ऐसी हो जाएगी, पिछले 14 सालों से मैंने इसी दिन का इंतजार किया है। ली वुडी युवान टाईजी से कहता है, तुम्हारा राज अब खत्म हो चुका है युवान टाईजी। ली वुडी के पीछे उसका बड़ा सा लाइफ बॉन्ड बीस्ट होता है। टियानमिंग ली वुडी के उस बीस्ट को देखकर कहता है, फादर अब दोबारा से जिंदा हो चुके हैं, उनका बीस्ट भी बदल चुका है। फिनिक्स ली वुडी के बीस्ट को देखकर कहता है, वो बर्ड जो है वो घने ऑरा से भरा हुआ है, वो कम से कम 10 गुना ज्यादा है, अगर मुझे इससे 10 गुना ज्यादा बड़ी बॉडी मिल गई तो ये काफी अच्छी बात होगी। ली वुडी का बीस्ट एक प्राइमॉर्डियल ब्लडलाइन सेक्रेट बीस्ट होता है जिसका लेवल 6 होता है। ली वुडी का बीस्ट इतना ज्यादा बड़ा होता है कि युवान टाईजी के लाइफ बॉन्ड बीस्ट ली वुडी के लाइफ बॉन्ड बीस्ट के सामने बच्चे दिख रहे होते हैं। युवान टाईजी अपने फुल अहंकार में आकर ली वुडी की तरफ ग्रैंड ऑरेंज शॉट से हमला करने लगता है। तभी ली वुडी भी अपनी एक स्वॉर्ड आर्ट को इस्तेमाल करता है जिसे आता देख युवान टाईजी हैरान हो जाता है। ली वुडी एंड ली वुडी के लाइफ बॉन्ड बीस्ट के हमले से न केवल युवान टाईजी बल्कि उसके लाइफ बॉन्ड बीस्ट भी खत्म हो जाते हैं। युवान टाईजी के दोनों हाथ कट जाते हैं और एक हाथ जिसमें ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड होती है वो टियानमिंग के पास आकर गिर जाती है। टियानमिंग ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को आता देख उसे वेलकम करता है एंड इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको एपिसोड पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखना, मत नहीं।